हमारे हिंदू धर्म में अधिक मास का अत्यंत महत्व है। अभी अधिक मास आने वाला है और आप यदि गर्भावस्था में हैं तो यह अधिक मास आपके लिए और भी खास है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे अधिक मास में गर्भवती क्या क्या करे जिससे उसकी संतान बने दिव्य। हमारे पुराणों में, वेदों में, अध्यात्म में पहले ही कहा गया है कि गर्भावस्था में गर्भवती अपने गर्भस्थ शिशु को मन चाहे गुणों से युक्त बना सकती है। गर्भवती के आचार, विचार और विहार का पूर्ण परिणाम गर्भ में पल रहे शिशु पर होता है। अभी विज्ञान भी इस बात से सहमत है, तो क्यों ना इस बात का अधिक से अधिक बेनिफिट गर्भावस्था में आने वाले अधिक मास में उठाया जाए। जी हाँ, सही सुना आपने। यदि आप अभी गर्भावस्था में हैं तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर आने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार में आपका स्वागत करती हूँ। इस साल अधिक मास अभी शुरू होने वाला है और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है अधिक मास में किए गए सभी धार्मिक कार्यों का 10 गुना अधिक फल मिलता है। तो चलिए आज हम जानेंगे अधिक मास का गर्भावस्था में क्या महत्व है। इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास में गर्भवती ने क्या क्या करना है जिससे अपने गर्भस्थ शिशु में आध्यात्मिक गुणों के बीजारोपण आप कर सके। अपना गर्भस्थ शिशु परोपकारी, दानवीर, आनंदी और दिव्य गुणों से युक्त हो सके तथा इस आने वाले अधिक मास में आपको कौन कौन सी बातों को अवॉइड करना है ये भी विस्तार से समझेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन सभी बातों को समझने के पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घड़ी के अंतर से आता है। इस साल अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 14 अगस्त को होने वाला है। अधिक मास के अधिपति भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पूरे अधिक मास में पूजा पाठ, ध्यान, जप, होम तथा हवन जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं और इन सभी धार्मिक कृत्यों से मनुष्य अपने शरीर में पंच तत्वों को संतुलित करके अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के आगे पथ पर चलता है और खुद नई ऊर्जा से भर जाता है। क्योंकि अभी गर्भावस्था में आपका शिशु आपसे मेंटली एंड फिजिकली जुड़ा हुआ है तो इस कारण से इन सभी धार्मिक कार्यों का शिशु पर भी प्रभाव पड़ता है और उसमें आध्यात्मिक विकास का बीजारोपण होता है, उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप होने में मदद होती है। तो इस अधिक मास में आपको क्या क्या करना है? अधिक मास में गर्भवती गीता, रामायण का पाठ कर सकती है। आप चाहे तो आपके घर में बाल गोपाल की पूजा अर्चना भी कर सकती है। अधिक मास में दान, व्रत, उपवास का भी महत्व है, मगर गर्भवती ने उपवास नहीं करना है, अपितु आप दान धर्म कर सकती है। इनफैक्ट दान धर्म करने से अपने शिशु में उदारता का गुण आप ढाल सकती है। चलिए और जानते हैं आपको क्या क्या करना है अधिक मास में। अधिक मास में आपको आपका आहार सात्विक लेना है। तामसी आहार जैसे तेल का तला हुआ, मसालेदार और स्पाइसी खाना नहीं खाना है। अधिक मास में आपको यथाशक्ति दान धर्म भी करना है। गर्भवती ने इस अधिक मास में ज़रूर भागवत कथा, रामायण कथा, गीता पढ़नी है या इसे आप श्रवण भी कर सकती है। ईश्वर की आराधना करनी है, भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आप कर सकती है। आप दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान कर सकती है। सुबह और शाम घर के मंदिर में भगवान के सामने घी का दिया जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम भी पाठ कर सकती है। अब जानते हैं वह कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अधिक मास में नहीं करनी है। गर्भवती ने अधिक मास में गुस्सा, आलस्य, चिंता तथा ताम तनाव से दूर रहना है। सदैव प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, आनंदी रहना है। पूर्ण अधिक मास में खुद के और अपने गर्भस्थ शिशु के आध्यात्मिक विकास के लिए कार्य करना है। साथ ही यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय है गर्भ संस्कार सीखने का। जी हाँ, गर्भ संस्कार द्वारा आप आपके शिशु में मनचाहे गुणों को ढाल सकती है। आप घर बैठे ही गर्भ संस्कार कैसे करने हैं यह सीख भी सकती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे ही बनिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेबी। आशा करती हूँ इस वीडियो में बताई गई सभी चीज़ों को आप फॉलो करके अपने प्रेगनेंसी के जर्नी में आने वाले अधिक मास को आनंद से व्यतीत करेंगे। और कौन कौन सी बातों को आपने फॉलो किया कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है।
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।